Today, we will start chapter 3, shares and dividends. From M.L. Agarwal. For class 10th for ICSE. This is the lecture number 2 of this chapter. Today we will start from question number 16th. 16 से start करेंगे. 16 sum. Yes, Alfisha. Yes, sir. A company with 10,000 shares of nominal value 100. Company के पास कितने shares हैं? 10,000. नॉमिनल वैल्यू 100, डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 8%. डिविडेंड कितना? 8% टू द शेयर होल्डर्स. कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी. नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी हैव? सर 1000. 10,000. यस सर. नंबर ऑफ शेयर्स 10,000. नॉमिनल वैल्यू रुपी 100. Declare a dividend of 8% to the shareholders. Calculate the total amount of dividend. Sir, dividend is equals to number of shares into nominal value into dividend upon 100. Yes. Dividend upon 100 नहीं बोलना. Sir, dividend percent. Dividend percent. 1000 plus? 10,000. Oh, yes, sir. 10,000 into 100 into 8 upon 100. Yes. 100 is cancelled. 10,000 into 8? 80,000. Rupee 80,000 is the total amount of dividend. Second part. Ramesh bought 90 shares. Ramesh ke paas 90 shares hain. Number of shares? 90. Ramesh have. Aise pura proper likhna hai, theek hai? Yes, sir. Ramesh bought 90 share of the company at rupee 150 per share. What is 150? Market value, sir. Yes. 150 mein purchase kiya, so that is the market value of one share. Rupee 150. Calculate the dividend he received. Dividend received. Sir, number of shares into nominal value into 8%. Dividend, number of shares 90, nominal value 100. Into 8%. 9 is 72? 72. Rupees 720. Is his dividend earned? Calculate the dividend he received and percentage return. Percentage return ke liye pehle money invested find karna padega. ठीक है बच्चे. मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू जैसे मर्जी लिख लो. 13,500 इज द मनी इन्वेस्टेड. परसेंटेज रिटर्न सर डिविडेंड अपॉन मनी इन्वेस्टेड इनटू 100. टू जीरोस आर कैंसिल. 5 के डेल पे कट कर लो. 5 1s are 5, 5 4s are 4s are. 5 2s are 7s are. Abhi ye 9 ke level pe ja rahe hain. 3, 9 1s are 9, 9 16. 16 upon 3%. That is 5.33% is the our answer. Understood? Yes, sir. Samajh aa gaya bachche sabko? Yes, sir. Sure? Yes, sir. आज तेरी फ्रेंड फिर नहीं आई माशा. सर उसका ट्यूशन है 7:10 तक. अच्छा 7:10 तक. सॉरी 7:10 तक वापस आ जाती है घर से पे वो. सर होम ट्यूशन है. अच्छा होम ट्यूशन ही है. ओके 16 के बाद नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 17. अनिका
यस सर। ए कंपनी विथ 500 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 120 डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 15%, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड सेम क्वेश्चन, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड 80 शेयर ऑफ द कंपनी, एनुअल इनकम मतलब उसका डिविडेंड निकालना है। इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर इज 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। चलो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दे दिया सम। कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी हैव 500 500, डिक्लेयर नॉमिनल वैल्यू रुपी 120, डिक्लेयर एन एलडो डिविडेंड, डिविडेंड परसेंटेज इज 15%, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड। यस बच्चे बताइए जल्दी से, सर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट, 15/100, 100। जीरोस आर कैंसल, 185 आर 900, 9000 रुपीज, यही आएगा। 15 × 12 180, 180 यही इंटू फाइव नाइन आएगा। हंड्रेड 900 के साथ एक जीरो आ गया। यस सर। उसके बाद सेकंड, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड 80 शेयर्स, सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर शर्मा हैव 80, तो डिविडेंड रिसीव्ड, एनुअल इनकम बोला है, एनुअल इनकम ऑफ, जैसे उन्होंने लैंग्वेज लिखी है ना, हम वैसे ही सेम लैंग्वेज लिखेंगे, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा। यस बच्चे, सर 80 × 120 × 15/100। यस बिल्कुल सही, 80 इज द नंबर ऑफ शेयर, 120 इज द नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंटेज, टू जीरोज आर कैंसल, 180 इन 18 एट का कितना होता है, 140 14,040 आएगा सर। 14,040 नहीं आएगा, 1,440 आएगा, हाँ 1,440 है। ठीक है। टोटल यस 500 शेयर पे तो 9,000 डिविडेंड मिल रहा है, 90 80 शेयर पे 14,000 हो जाएगा, दैट्स नहीं रॉन्ग सर, ना, मुंह से निकल गया। फोर्टीन नंबर भी निकल जाएंगे हाथ हंड्रेड से। यस अब इफ द रिटर्न परसेंटेज ऑफ मिस्टर शर्मा इज 10%, नाउ रिटर्न परसेंटेज इज गिवन 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, उसने कितने में परचेज किया था वो फाइंड करना है। हाँ जी बेटा, रिटर्न परसेंट 10% है, हाउ वी कैन फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। सर, हम मनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, उसके बाद हम उसे मार्केट नंबर ऑफ वैल्यू तो शेयर्स पता ही नहीं इंडेक्स करके हमें, मार्केट वैल्यू निकाल देंगे। मार्केट वैल्यू तो पता ही नहीं, सर हमें इनकम पता है और रिटर्न परसेंटेज पता है, और उससे हम मनी इन्वेस्टेड निकाल लेंगे, रिटर्न परसेंटेज ही मार्केट निकालेंगे। मनी इन्वेस्टेड क्या होता है, मनी उसके इन्वेस्टेड मतलब उसने जितनी इन्वेस्ट करी, हाँ किसके इक्वल होगा, कैसे हम मनी फाइंड इन्वेस्ट करें, सर जैसे पहले हम रिटर्न परसेंट इक्वल कैसे टू फाइंड करेंगे मुझे ये बताओ, हाउ वी कैन फाइंड द मनी इन्वेस्टेड। अनिका सर इस फॉर्मूले से रिटर्न परसेंट इक्वल टू इनकम अपॉन मनी इन्वेस्टेड इनटू 100। अगर मैं मार्केट वैल्यू को एक्सलेट कर लूं बेटा, वो भी ठीक है आप जो बोल रहे हो, तो यहां से मनी इन्वेस्टेड नहीं फाइंड कर सकता मैं, 80x ₹80। अब रिटर्न परसेंट इनकम अपॉन मनी मनी इन्वेस्टेड, यहां से इन्वेस्टेड सीधा आ जाएगा ना एक्स, नहीं तो बाद में फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इन टू इनटू हंड्रेड। 100 इज इक्वल टू 10, यही होगा। यस सर। अब एक्स ऊपर ले जाओ, 1440 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 10, देखो एक्स नहीं ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, दो जीरोस कैंसिल हो गई, 8 के लेवल में पूरा पूरा कट हो रहा है, 8 × 8 8 × 8 = 64, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 180। ₹180, दैट इज आंसर। यहाँ पे
यहां तक तो सेम था पहले पार्ट की सिक्सटीन सम की तरह, बट उसके बाद रिटर्न परसेंटेज वहां पे फाइंड करनी थी, यहाँ गिवन है, वहां मार्केट वैल्यू दी थी, यहाँ मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। ये समझ आया कैसे किया ऑल ऑफ यू? बोलिए बेटा। सर एक बार और समझा दीजिए। यहां तक तो समझ आ गया ना। यस सर। अब हमें रिटर्न परसेंटेज दिया हुआ है। समृद्धि, यस सर। रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ बच्चे क्या होता है। यस सर। बट रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला बेटा, सर इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100% इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड होगी? नंबर एमवी ऑफ इनटू वन। शेयर्स, एमवी को मैंने एक्स लेट कर लिया, तो मनी इन्वेस्टेड क्या हो गया? 80 शेयर्स थे उसके पास, यस 80x हो गया। तो यहाँ पे दिस इज द इनकम इनटू 100 अपॉन 80x। यस अब सर। यहां से एक्स तो फाइंड कर ही सकते हो ना, वही किया है बच्चे हमने। यस सर। ठीक है, यस सर। देख लो हाल। उसने भी नहीं ज्वाइन किया। आहिल चलो छुट्टी पे है, और रोश आ गया, उसके बाद जैमी भी नहीं आई है ना आज। वेरी बैड। कुलदीप, कृष्णा तो वो कुछ नहीं कर सकता, बहुत उसको समझा लिया कि डेली क्लास लगाया कर, नहीं चाहिए। फिर इसमें मैं क्या करूंगा? चीज़ी बुक में करने का फायदा क्या फिर, अगर क्लास ही नहीं लगानी थी। ओके चलो 18 सम पे आ जाओ। अरोश, यस सर। 18 सम इज दिस वन। बाय इन्वेस्टिंग 7500 रुपी, इन ए कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड एंड इनकम ऑफ ₹500 इज रिसीव्ड। मनी इन्वेस्टेड 7500, डिविडेंड 10%, इनकम 500, दैट इज डिविडेंड डिविडेंड रिसीव्ड। व्हाट यस प्राइस इज पेड फॉर ईच ₹100 शेयर्स? 100 क्या है? नॉमिनल वैल्यू यस, सिंपल एंड ऑफ दैट इज द नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ पे 18 सम, सबसे पहले हमें क्या गिवन है? मनी इन्वेस्टेड की। हाउ मच? ₹75,000। सर। पेइंग 10% डिविडेंड, डिविडेंड परसेंटेज इज 10%, एंड इनकम ऑफ ₹500 इज रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड इज गिवन ₹500, नॉमिनल वैल्यू इज गिवन ₹100। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिविडेंड रिसीव्ड? चलो एन हमें नहीं गिवन, एन इज द नंबर ऑफ शेयर। यस सर। नॉमिनल वैल्यू 100, डिविडेंड परसेंट 10%, 10/100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 500। जीरोस कैंसिल हो गई, एन की वैल्यू 500 बाय अपॉन वी सर। गेट 50 शेयर्स। उसने 50 शेयर्स परचेज की। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द व्हाट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस फाइंड करने, व्हाट प्राइस ही पेड फॉर ईच ₹100 शेयर। यस सर। हाउ वी कैन फाइंड द मार्केट वैल्यू? सर ये मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल्स टू सम सेट बाय नंबर ऑफ क्या क्या शेयर्स। क्या समझ नहीं आया क्या बोल गए? मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू मनी इन्वेस्टेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। यस, मनी इन्वेस्टेड 7500 एंड द नंबर ऑफ शेयर्स आर 50। 5 1 5 25, 5 0। तो मार्केट वैल्यू उसने कितने में परचेज किया? ईच शेयर 150 में। दिस इज आवर आंसर। 19th, ए मैन बाय 400। अरोज के बाद लव सोनी। लव सोनी जी, नाइनटीन्थ सम। ए मैन बाय 400 ₹10 शेयर्स। व्हाट इज 400? सर रुपी शेयर्स 400 शेयर्स।
10 rupee share. What is 10 rupee? So nominal value. At a premium of 2.50, then what is the market value? So market value equals to premium of 2.50. 10 plus 2.5. मतलब प्रीमियम का मतलब कॉस्टली, जो नॉमिनल वैल्यू होता है उससे 2.50 रुपी पर शेयर कॉस्टली परचेज किया उसने. प्रीमियम का मीनिंग ये होता है. इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 8%, फाइंड हिज इन्वेस्टमेंट डिविडेंड रिसीव यील्ड. यील्ड और रिटर्न परसेंटेज, दैट इज द सेम थिंग. अंडरस्टूड? यहाँ देखो उन्होंने क्या लिख दिया, यील्ड. आधे बच्चों को समझ ही नहीं आएगा ये क्या कर दिया उन्होंने. 19th sum. A man buy 400. Number of shares 400. 10 rupee share. Nominal value is rupee 10. At a premium of 2.50. So, kya aa jayega? 10 plus 2.5? 12.50 is the market value of one share. If the rate of dividend, dividend percentage is given 8%. His investment, पहला पार्ट, मनी इन्वेस्टेड. यस लव सर. नॉमिनल नॉमिनल वैल्यू इनटू मार्केट वैल्यू. बच्चे ये पेन 20 रुपीज का है. आपने 3 पेन परचेज करनी है, आप कितना पैसा देके आओगे? सर 30. 20 का पेन है, 3 पेन परचेज करने है, 30 कैसे अच्छा, ले लेगा? सर 20 का अगर 1 पेन है 3 इज सर 60 रुपीज. एक शेयर उसने 12.50 का परचेज किया, 400 शेयर वो कितने में करेगा? सर 12.50 इनटू 400. बस फिर सिंपल है ना, मनी इन्वेस्ट पूछ रहा है बच्ची. कितना मनी उसकी जेब से गया, कितना मनी उसने इन्वेस्ट किया. अंडरस्टूड? यस सर. डिवाइड बाय 100. जीरोस आर कैंसिल. 0 फॉर्मूला डिविडेंड का बताइए लव सोनी. इतने समय हमने यूज कर लिया लव सोनी, आपका ध्यान कहाँ है बेटा? हर एक सम में ये यूज हुआ, हर एक सम में. सर्वेश, डिविडेंड रिसीव का फॉर्मूला बेटा? सर नहीं पता. बच्चे अभी ये क्या किया था, देखो ये भी डिविडेंड रिसीव था, उससे पहले वाले सम में भी क्या था अमाउंट ऑफ डिविडेंड, उस मतलब क्या होता है. सिंपल है ना बच्चे. माशा? यस सर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिविडेंड रिसीव्ड? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट. अब याद रखना लव सोनी, सर्वेश, इसके बाद ये भूलना नहीं चाहिए फॉर्मूला. यस सर. ठीक है. यस सर. नंबर ऑफ शेयर्स 400 है उसके पास, नॉमिनल वैल्यू हमें 10 रुपी गिवन है, ये देखो 10 है ना, इनटू डिविडेंड परसेंट 8% है. परसेंट हटाया तो नीचे 100 हो जाएगा. जीरोस आर कैंसिल. 8 4 32 और साथ में एक जीरो आ जाएगी. तो दिस इज आवर सेकंड पार्ट आंसर. थर्ड, यील्ड और रिटर्न परसेंटेज इज द सेम थिंग. यस लव सोनी, रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला ये भी भूल गया लव सोनी तू तो. सोनी जी पास नहीं होना 10th में, बोलो बच्चे. नीव, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिटर्न परसेंटेज? नीव वॉइस नहीं आ रहा. नीव आपका? सर मैं बताऊं? बता दो सर. इनकम अपॉन मनी इन्वेस्टेड इनटू 100. अपॉन मनी इन्वेस्टेड
इनटू 100, इनकम उसका 320 आया, इनटू 100 अपॉन मनी इन्वेस्टेड, हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था 5000, 5000 थ्री जीरोस कैंसल, क्या 6.4 6.4, परसेंट 32/5, 6.5 6.4%। ये तेज बहुत ज्यादा हो गई है ना यशिका, वेरी गुड यशिका, आप मार्क्स नहीं कमाने चाहिए, वन ये ना हो एग्जाम में जाके कुछ और ही लिखाए तो है यशिका। सर। चलो हमारे कितने सम हो गए, 19, 20th सम, माशा सर इन क्वेश्चन नंबर 20th, ए मैन इन्वेस्ट 10,400, व्हाट इज 10,400 इन्वेस्टमेंट इन 6%, व्हाट इज 6% डिविडेंड परसेंट एट ₹104 एंड 11,440 इन 10.4% शेयर एट 142। इतना मनी तो उसने इसमें इन्वेस्ट किया, इतना मनी उसने इसमें इन्वेस्ट किया, हाउ मच इनकम डज ही गेट इन ऑल, कितना इनकम उसको रिसीव हुआ। देखो ये ना हमने जो एक्शन में लास्ट सम किया था उस टाइप का हो गया, लास्ट टू सम्स किए थे ना, टू टाइप के शेयर्स परचेज विदाउट किए, नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे उसने मनी कितना इन्वेस्ट किया, ₹10,400, डिविडेंड का कितना रिसीव हो रहा है उसको 6% एट ₹104, तो व्हाट इज दिस नॉमिनल वैल्यू, ये 104 का चक्कर नहीं समझ आ रहा। चलो दूसरे में कितना मनी इन्वेस्ट किया, 11,440, डिविडेंड परसेंट 10.4% सर एट, 104 मार्केट वैल्यू तो नहीं है। सर चलो वही देख रहा हूं मैं, 140 एट 143, ये मार्केट वैल्यू होना चाहिए, मार्केट वैल्यू का कोई रोल तो है नहीं, नॉमिनल वैल्यू होगा बताइए, तो नॉमिनल वैल्यू भी नहीं हो सकता। देखते हैं हाउ मच इनकम वुड ही गेट इन ऑल, उसको कितना इनकम रिसीव हुआ, प्रॉब्लम है इस सब में। सर नंबर ऑफ शेयर्स दिया ही नहीं। हाँ वो तो दिया नहीं ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या गिवन है 143 एंड 104, ये चेक कर रहे हैं ना, मैंने इन्वेस्ट ₹10,000 इन 6% शेयर्स एट 104 एंड दिस एट 10.4% शेयर्स एट ₹143, हाउ मच इनकम वुड ही गेट इन ऑल। चलो क्योंकि अगर पर यहाँ से नॉमिनल वैल्यू नहीं है हमारे पास, मनी सर इन्वेस्टेड का सीधा 6% निकालेंगे फिर तो सर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू सेम तो नहीं है कि ये हो सकता है, ये चीज हो सकती है कि मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सेम हो। एक मिनट मुझे ना एक बार सॉल्व करके देखने दो, पता चल जाएगा। इक्वेशंस बना के सॉल्व करें तब। नहीं बच्चे हमें कुछ गिवन ही नहीं है ना, एक मिनट चेक करता हूं मैं, शायद ये 104 और 143 का कोई यूज ही ना हो, समझे। वन वन फोर फोर को 104 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 16, 16 1 17, 5 4, तो क्रॉस 4 4 1 1, 6 7 9 8 1 1 अपॉन 100, चेक कर लेते हैं हम फिर पता चल जाएगा, आंसर चेक करना जिसके पास है मेल अग्रवाल। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, 1432 आ रहा है आंसर। 32 1 4 3 2, यस सर। सर ये दोनों मार्केट वैल्यू ही होंगी क्योंकि
मार्केट वैल्यू बच्चे फिर निकलेगा क्योंकि कैसे? सर नहीं, दोनों मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू दोनों होगी, क्योंकि जब हम मनी इन्वेस्टेड को मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं दोनों केस में, तो वो प्रॉपरली डिवाइड हो रही है और नंबर ऑफ शेयर आ रहे हैं। चलो आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है कोई बात नहीं, चलो वैसे निकाल के देखते हैं फिर हम। मार्केट वैल्यू का तो फिर रोल ही नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स चलो फिर से कर देते हैं, चेक कर लेते हैं उस मेथड से करके, इस मेथड से तो गलत आ रहा है। मनी इन्वेस्टेड ₹10,400, डिविडेंड परसेंट 6%, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू यही है 104 रुपी। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से क्या आ जाएंगे, 10400 अपॉन 104, 100 शेयर्स आ गए। यहाँ डिविडेंड रिसीव कितना हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड 6/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, आंसर तो वही आ रहा है ना, मेरे पास भी वही तो वही आया था ना 624, समझे? यहां से भी वही आएगा बेटा, मनी इन्वेस्टेड 11440, डिविडेंड परसेंट कितना दिया है 10.4% दिया है, और नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम दे दिया तो ₹143। नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे, 11440 अपॉन 10.4, सर 80, पक्का 80 आएंगे, यस सर 80 सर, वो जीरो नहीं लगेगा उधर 10.4 है ना बेटा, वो 0 जाएगा ही ऊपर, सर वो, यस नहीं मैंने गलत कर दिया, 143 आना था, सॉरी 143 आना था ना, ये 0 नहीं आएगी 80 आएगा। तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 80 इंटू डिविडेंड परसेंट बाय 1000 हो जाएगा, इंटू नॉमिनल वैल्यू 143, इसको सॉल्व कर लो, वन वन एट सर हो नाइन पॉइंट जाता वही आ रहा है ना, है, यस सर। वो तो फिर यही ज्यादा बेटर है इससे तो। ए मैन इन्वेस्ट टू बी 10,400 इन 6% शेयर एट 104 एंड दिस एट इन 10.4% शेयर एट 143, हाउ मच इनकम वुड ही गेट इन ऑल, टोटल इनकम कितना हुआ 20th में, पर मुझे भी आंसर चेक कर देने दो इसका, कहीं आंसर ही गलत चेक किया हो, 20th का 1432 आज लिखा हुआ है, 1432 किसी हालत में भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, सर हाँ जी सर ऐड करना है ना हाँ, सर, 12,521.6 ऐसे मेरा आया है। 12,000 कैसे आ जाएगा, 10,000 तो और 11,000 तो उसने मनी इन्वेस्ट किया है, 1,000 समथिंग ही है ये, इसे 624 है, 12,000 तो किसी हालत में भी नहीं आ सकता बेटा, किसी के स्कूल में करवाया नहीं अभी तक ये सम, एनीवन? नो सर, क्वेश्चन तो नहीं गलत, मुझे पुरानी बुक देखने दो एक बार, सर मेरे स्कूल में सर पता नहीं मेरे में कैसे मतलब करवाया कि तो फिर इसको सर छुड़वा सर दिया था। इसको छुड़वा दिया था। सर हाँ 1,813.76 मैंने ही वहीं से देखा है, नॉमिनल वैल्यू को 100 अज्यूम किया सर, नहीं 100 नहीं है, तो मेरा 14.32 आ रहा है लेकिन 1432 नहीं आ रहा है। सर चल छोड़ो इसको, इस सम को बच्चे एक बार वो कर लो, ट्वेंटी फर्स्ट सम बेटा, टू कंपनी हैव शेयर 7% एट 116 एंड 9% एट 145 रिस्पेक्टिव,
इन विच ऑफ द शेयर्स वुड द इन्वेस्टमेंट बी मोर प्रॉफिटेबल, कौन सी इन्वेस्टमेंट, कौन सी ज्यादा बेटर है, कर लोगे बताइए बच्चे? यस सर। श्योर? यस सर। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट? वही सेम, इमैन इन्वेस्ट 1 लाख, नहीं 10,080 इन 6%, 100 रुपीज शेयर एट 112। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 20 में रुपीज 106 एंड 145 इन्वेस्टमेंट है ना? 104 नहीं सर, 21 में नहीं बच्चे, 7% एट 116, ये नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू। टू कंपनी हैव शेयर दिस एंड दिस, चेक नी इन विच शेयर इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल, कौन सी में ज्यादा प्रॉफिटेबल वो फाइंड करना है। अंडरस्टूड। Which is better investment? 6% rupee 100 share 120 at 120 and 8% rupee 10 share at 15 हो जाएगा। अपने आप करने वाले सामी हैं अच्छे, आपको करोगे ट्राई? बोलो यस सर। ट्राई करना, जो नहीं आएगा अब हम कल पहले वो करेंगे, ठीक है? यही कर लो आज, इतने ही अनफ है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 21 करवा दीजिए प्लीज। टू कंपनी हैव शेयर्स, इन विच ऑफ द शेयर्स वुड द इन्वेस्टमेंट बी मोर प्रॉफिटेबल? देखो 7% उसमें मिल रहा है 116 पे, ठीक है, 9% मिल रहा है 145 पे, तो आप सीधा निकालो 7% ऑफ 116, 9% ऑफ 145। नहीं एक मिनट, गड़बड़ हो रही है, 7% एट 116 पे निकाला है उसने, यहां पे अगर मैं मनी इन्वेस्ट को 100 ले लेके चलूं, क्योंकि हमें इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, हमें वो गिवन है, मनी इन्वेस्टेड यहाँ दिया ही नहीं हुआ ना, गड़बड़ी है इस सब में। सर हम एक शेयर पे वो निकाल लेते हैं ना डिविडेंड। एक शेयर का निकाल देते हैं, चलो डिविडेंड रिसीव्ड, और इसमें मार्केट वैल्यू तो इसमें भी नहीं दिया। सर अगर नॉमिनल वैल्यू को 100 रुपीज लेके करेंगे तो हम लेट करके ऐसे कैसे कर लेंगे, ऐसे थोड़ा होगा सर। 116 नॉमिनली तो है, नॉमिनल वैल्यू। बच्चे उन्होंने तो बेटर इन्वेस्टमेंट बोला है ना, इनकम ही निकाल के देखते हैं। चलो 1 × 7/100 × 116, 7 × 6 = 42, 4 × 7 = 11, 1 × 8 = 100, 8.12 रुपी। दूसरे में बच्चे 1 × 9/100 × 1, ये तो फिर बेटरली ज्यादा आएगा ही आएगा, ये भी 9 हो गया, ये भी बिगर हो गया, दोनों वैल्यूज बिगर होगी ना। सर मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है, रिटर्न परसेंट कैसे निकालेंगे? वही तो सेम चीज कर रहा हूँ बच्चे, सोच रहा हूँ मैं, एट पर यहाँ कोई और फॉर्मूला तो नहीं दिया हुआ है इन्होंने इस बुक में। सर एट पर कंडीशन हो सकती है, एट पर कंडीशन लेके तो फिर यही आंसर ही आएगा ना। एक मिनट मुझे ना,
नहीं दिया कोई और फॉर्मूला। तो एग्जांपल देखते हैं, इसमें कोई ऐसी एग्जांपल हो। नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें पता नहीं, ये चैप्टर मैंने पहले एनएमएल अग्रवाल में से करवाया ही नहीं है। सर डिविडेंड सेकंड वाले का ज्यादा आ रहा है, तो मे बी हो सकता है कि सेकंड वाला ही प्रॉफिटेबल हो। वो तो बच्चे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है ना उसमें, एक शेयर पे, एक शेयर पे इन्वेस्टमेंट भी तो ज्यादा है। अच्छा यस सर। नहीं, सर नीचे वाला ही प्रॉफिट है। सर ना भाई, नहीं यार, चलो एक सेकंड देखो। सॉल्यूशन देख रहा हूं मैं कहीं से। इन्होंने इन्वेस्टमेंट इन ईच केस क्या किया, जो इसके 116 × 145 ये ले लिया, 116 × 145 ले लिया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड पता है कैसे निकाला है, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट हो गई, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट अपॉन 116 दिखाया है। अब ये कौन सा फॉर्मूला है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, या हमें 116 नहीं समझ आ रहा कि क्या चीज है। नॉमिनल वैल्यू है। सर नॉमिनल वैल्यू तो फिर ऊपर आती है बेटा, नीचे थोड़ा जाती है डिविडेंड। और परसेंट नहीं है, मतलब इन्होंने यही किया है, इन्वेस्टमेंट ये ले ली इनटू डिविडेंड, जैसे 7% था, 7 डिवाइड बाय 116 किया है, यही चीज की है। समझे? बट सर आया कितना है? परसेंट का 100 तो आना ही चाहिए। तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया। सर डिविडेंड कितना आया है? वो तो ये कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा ना, पर पहले केस में तो 7% का 145 से क्या चक्कर हुआ? समझे बच्चे? 1015 लिखा है इन्होंने, सर 145 क्या है? सर वही चीज नहीं समझ आ रही ना, 145 और 116 क्या है। तो दोनों मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है? सर उन्होंने ये क्या हुआ है, जहां मैं सॉल्यूशन चेक कर रहा हूँ, 20th सम में भी ऐसी ही है, 21st सम में भी ऐसी ही है। समझे? चलो इन दोनों सम्स को छोड़ो एक बार, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया सर इन्होंने। सर हाँ जी, सर एट पार कंडीशन करके एक बार करिए प्लीज। नहीं आएगा बेटा, एट पार करके भी नहीं आएगा, ठीक है, छोड़ दो बेटा इन दोनों सम्स को। क्यों यार, ना तो नंबर ऑफ मनी इन्वेस्ट दिया हुआ है 6% शेयर एट 104, ना हमें मतलब ये नहीं पता नॉमिनल वैल्यू है कि क्या है। डिविडेंड ऐसे कैसे निकल जाएगा, ये कौन सा फॉर्मूला, मुझे तो आज तक मिला नहीं ये फॉर्मूला। सर
सर पहली कंपनी का नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू शायद सेम है, यानी 116, और सेकंड कंपनी का भी सेम ही है, पर अलग अलग 145। हाँ, फिर नहीं निकलेगा बेटा, उससे तो सीधा हो गया ना कि 9% ऑफ मनी इन्वेस्टेड, मनी इन्वेस्टेड 7% ऑफ मनी इन्वेस्टेड, 7/100 होना चाहिए था ना मनी इन्वेस्टेड। चलो मान लिया ये थी, ये नीचे नहीं 116 कैसे सर, आया? दोनों में इन्होंने अज्यूम किया सर, मैंने सर वेबसाइट में निकाला है, दोनों में ही नॉमिनल वैल्यू को 100 अज्यूम किया है। दोनों में 100 अज्यूम किया। यस सर, दोनों को समझ। चलो 1 मिनट, यहाँ पे डिविडेंड परसेंट कितना दिया है? 7% दिया है। मार्केट वैल्यू दी है 116, यस सर, नॉमिनल वैल्यू को 100 रिज्यूम किया उसने, मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मनी इन्वेस्ट तो है ही नहीं। मनी इन्वेस्टेड अगर हम लेट कर लें, ये वही सेम चीज जो इन्होंने बोली है कि दोनों में इक्वल अमाउंट ही इन्वेस्ट की ना, सेकंड पार्ट में भी मनी इन्वेस्टेड, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया कि कटिंग इजी हो जाए हमारी। तो यहां से डिविडेंड क्या निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स दिस अपॉन दिस, नंबर ऑफ शेयर ये मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू आएगी, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड 7%, 7/100, और नॉमिनल वैल्यू 100 ले लिया। ठीक है, इस टाइप से निकाला है इन्होंने यार। पर ये कोई ऐसे थोड़ा है कि लेट कर लिया हमने, नॉमिनल वैल्यू सेम ही दिया है। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे? दो सम ही है, पर आज कभी किसी बुक में नहीं देखा, पता नहीं इस बुक में पता नहीं क्यों है ये ऐसे दो सम। चलो फिर, हाँ नॉमिनल वैल्यू 100 लेट करके कर लो भाई। सर हाँ जी, 16 × 145 क्वेश्चन गलत है क्या? गलत नहीं है, गलत ही है, मतलब एक टाइप से ही कुछ गिवन ही नहीं है जब हमें, समझे? हाँ सर सर डिविडेंड पहले वाले का 144 होना चाहिए। बच्चे, 144 कैसे होना चाहिए? हमें नंबर ऑफ सर शेयर्स ही नहीं पता, सर मनी वन इन्वेस्टेड थाउजेंड नहीं। फोर्टी फोर हाँ वो तो आ ही रहा है, वो तो आ ही रहा है ना बच्चे, ऐसे ही सेकंड में निकल जाएगा। मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है? 9%, 9/100, नॉमिनल नाइन वैल्यू को, नॉमिनल वैल्यू को 100 लेट कर लिया। मतलब दोनों केसेस में नॉमिनल वैल्यू को 100 लेट कर लिया, या 9% है यहाँ, 6/7% है डिविडेंड, तो कॉमन सेंस है कि 9% वाला ज्यादा होगा वो तो, समझे? सर लेकिन ऐसे कैसे लेट कर लेंगे एग्जाम में, हम लोग का तो गलत हो जाएगा फिर। छोड़ दो बेटा दो सम्स को, 20th और 21st को सिर्फ छोड़ दो, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं एक सर बार चेक चेक करूंगा, इन दो सम्स को छोड़ दो, 20th एंड 21st। ओके हाँ, सर एशियन में जो नॉमिनल वैल्यू के बिना क्वेश्चंस दिए थे वैसे भी आएंगे। वो तो सिंपल ही था ना कि सीधी जो मनी इन्वेस्ट था उस पे निकाल दिया था 7% ऑफ मनी इन्वेस्टेड, सीधा निकाला था ना उसमें। सर लेकिन ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं है, तभी तो वैसे किया था हमने कि सीधा निकाल दिया था बच्चे, ठीक है ना? वहां दिया ही नहीं था कुछ जब। एग्जाम्स में हम लोग ऐसे ही करेंगे, बोर्ड्स हाँ जी, में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आए नहीं आते ओके सर देन ठीक है। बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड में, हमेशा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो सबको आते होते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट सबको आते होते हैं, अंडरस्टूड? सम का कोई वो ही ना बने जो 99.9% बच्चों का गलत हो जाए, वो सम कभी नहीं डालते, समझे बच्चे? चलो यस सर, ये कंप्लीट करना बेटा, एक्सरसाइज कर लोगे? चलो ओके सर, यस सर, ठीक है बच्चे, ओके बाय बाय सर, बाय बाय बाय। सर, थैंक यू सर।